हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर यूपीएससी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यूथ ट्वेंटी टू हंड्रेड सेंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक एवरी वन बच्चे आज का हमारा टॉपिक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है अभी आपने रिसेंटली सुना होगा दैट इंडिया में गोल्ड वापिस आ रहा है गोल्ड रिपेट्रिएशन है ना जो तो थो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ में आ रहा है कि रिपेट्रिएशन है हमारा ही था हम ही लोग उनको दे के वहां पे हम ही लोग वहां पे फीस भर रहे थे एज अ लॉकर सर्विस है ना कि आप वहां पे रख लो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी राइट सिक्योरिटी कारणों से हमने वहाँ पे दे रखा था और हमारा ही सोना हमारे वहां पे वापस आ रहा है ऐसा नहीं है कि हम कहीं से ले आए राइट आर्स इट इज इट इज आर्स ओनली राइट

क्या है गोल्ड रिजर्व ये देख लेते हैं पहले सबसे पहले सबसे बेसिक सी डेफिनेशन देख बच्चे गोल्ड पे गोमिस बस यहीं तक पढ़िए आप मेनली एज अ गारंटी तो आपके ऊपर अगर आप नोट उठा के देखेंगे नोट के ऊपर लिखा हुआ है प्रॉमिस तो पूरा करने के लिए बैकिंग क्या है क्यों मैं आपकी बात को मानूं तो आपके पास में कुछ वेल्थ अक्यूमुलेटेड होनी चाहिए ऐसी वेल्थ जिसकी डिमांड है मार्केट में जिसको आप मुझे पे कर सको है ना इन केस अगर कोई और चीज फेल होती है हेंस ये गोल्ड रिजर्व रखा जाता है एज अ गारंटी ताकि आपका विश्वास उस बैंक में बना रहे बिकॉज अल्टीमेटली ये सारी इकोनॉमी ये विश्वास पे ही चल रही है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना देट ये आप, आपको किसी ने प्रॉमिस किया आपने आगे कर दिया प्रॉमिस ये प्रोमिस पे चल रहा है नोट इज अ प्रॉमिस ना तो आपका प्रॉमिस आपने किसी और आपकी आप सैलरी में आपको प्रोमिस आए है ना फॉर एग्जाम्पल आपको साठ के प्रोमिस आ गए अब आपने साठ हजार के प्रॉमिस में से तीस रुपए का प्रॉमिस दे दिया जाके मोमोज वाले को है ना बीस रुपए का दे दिया आपने दुकान वाले को आपने मस्त पार्टी करी प्रोमिस पे पार्टी चल रही है बदले में आप क्या कर रहे हो उस प्रॉमिस के आपने कहीं पे जाके काम कर दिया अल्टीमेटली दैट मनी हैज टू डिराइव वैल्यू फ्रॉम सम प्लेस प्रॉमिस कहीं तो जाके पूरा होगा ना आपके पास में उसका कुछ लास्ट में अगर ना निकले तो आप क्या करोगे वो कागज है, को। किस को कर रही है? आपके इस की वेल्थ एक्यूमुलेशन के, के बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से एक तरीका जो है आपका ये है गोल्ड रिजर्व का ठीक है आगे चलते हैं बच्चे की हाईलाइट क्या है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की

और इस चीज को रखने के लिए आपको जो है कहीं और जो है पैसा प्रोवाइड करना पड़ रहा है वहां पे राइट मोर देन हाफ ऑफ दरबीआई गोल्ड आर केप्ट ओवरसीज इन सेफ कस्टडी यही मुद्दा है इसमें इन दी बैंक ऑफ इंग्लैंड हमने कहा से मंगाया हमने वॉल्ट ऑफ यूके से जो है वहां से मंगवाया ये राइट right? तो एक तो आपका छोटा मोटा प्री का सवाल यहाँ डायरेक्टली बने गया तो कि वॉल्ट ऑफ यूके से आ रहा है कहाँ से आ रहा है दूसरा है बैंक ऑफ इंटरेस्ट सेटलमेंट राइट हम मोस्ट ऑफ द पैसा जो है हम वहां पे रखते हैं

एक तो इसकी क्वालिटी चेंज नहीं होती है राइट और इसकी डिमांड थ्रू आउट हिस्ट्री सेम सी रही है तो तभी हम बात कर रहे हैं कि ये स्टेबल और रिलायबल क्यों है इसीलिए राइट इफ एवरीथिंग एल्स फेल्स इसकी वैल्यू बरकरार रहती है गोल्ड की ये आपकी करेंसी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है राइट नेक्स्ट आप गोल्ड रिजर्व जो है आपके एसेट पोर्टफोलियो को किसी कंट्री के एसेट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है बच्चे राइट ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है

thank you so much thanks for watching the video this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024